Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we learn an important topic of English grammar, that is voice change, right? तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे वॉइस चेंज किया जाता है, दैट मीन्स एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है? तो इसी को आज हम लोग समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद वॉइस चेंज के लिए कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़े, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका एक वीडियो और मैंने अपलोड की थी जो पार्ट वन के नाम से है, वॉइस चेंज पार्ट वन। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए ताकि जो वॉइस चेंज का कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, वो आप जान सकें। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो इसमें हम टेंस वाइज वॉइस चेंज करते जाएंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है? और भी टेंस को छोड़कर और भी वॉइस चेंज होता है, ठीक है? उसका अलग रूल है, फिर मैं जब टेंस वाइज ख़त्म कर दूंगी तो फिर हम रूल्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, वॉइस चेंज फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होगा उसका हम वॉइस चेंज कैसे करेंगे? जो सेंटेंस होगा, मान लीजिए कि वो एक्टिव वॉइस में होगा तो उसको हम पैसिव में कैसे करेंगे, और अगर वो पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस का है, ठीक है? तो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहले पहचान आप लीजिए। वैसे मैंने टेंस की वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो टेंस वाला देख सकते हैं, आप उसको देखकर अच्छे से टेंस समझ सकते हैं, ठीक है? तो पहचान हम कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, जो देखिए, जिस वाक्य में डू, डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस और यस का यूज होता है तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है? यहाँ से जो हमारा की है, कीवर्ड है, उसको आप ध्यान में रखेंगे और ये ध्यान में रखकर आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस के अंदर है, ठीक है? देखिए एग्जांपल, सी टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाती है या वह तुमको पढ़ाती है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर रहेगा, ठीक है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है? तो इस तरह से हम पहचानने के लिए तो सीख गए, लेकिन अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जो देखिए, अगर हमें चेंज करना हो तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो रूल हमारा क्या है, फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने का जो रूल है ये है, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप बुक में देखेंगे तो ये वाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, क्योंकि कोई कोई ऐसे यहाँ सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वाई का यूज स्वाभाविक है कि नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ आपको अच्छी तरह से समझने के लिए वाई प्लस ऑब्जेक्ट दी हूँ। देखिए, हमारा एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिए थे सी टीचेस यू, ठीक है? तो इसको हम जो इसका ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव करते समय सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू और यू के साथ क्या आना है, इज एम आर, इसमें से यू के साथ क्या लगता है तो आर, ठीक है? तो यू आर, अब टीच का जो
वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है तो ये टाउट होता है। तो यू आर टाउट बाय हर, हर ये क्या है तो ये सी है, इसका हर हुआ है। ठीक है, हम लास्ट में अभी आपको एक चार्ट दिखा देते हैं कि सी का आपको अगर सी है सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाना है तो आप हर क्यों देंगे, ये भी आपको मैं बाद में दिखाती हूँ इसी वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी जो फ्रेंड लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनको भी नॉलेज हो, उनको भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, और एग्जांपल हम देखते हैं, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, ये कौन सा वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। किस टेंस के अंदर है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, हेल्प है, तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये जाके सब्जेक्ट बनेगा। देखिए सब्जेक्ट बनेगा यू, यू के साथ क्या लगना है, आर हेल्प्ड बाय मी, आई का मी। ठीक है, इसी तरह से इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए ये आपको दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है और आपको जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो, दोनों का अपोजिट होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट होगा, जो उसका सब्जेक्ट होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हेल्प यू। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको एक्टिव वॉइस में, और जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो यू आर हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए एग्जांपल है बी रिस्पेक्ट हिम, बी रिस्पेक्ट हिम, पहले हम समझेंगे ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है क्योंकि वर्ब वन का यूज हुआ है। ठीक है, अब इसका हम पैसिव फॉर्म में लाएंगे, पैसिव वर्ब का यूज करेंगे, डैट मीन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही का, हिम का ही और इज, ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज, तो ही इज, रिस्पेक्ट का वर्ब थर्ड हमें लगाना है तो रिस्पेक्टेड वाय बी का अस, इस तरह से ये हो जाएगा, ही इज रिस्पेक्टेड वाय अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। ठीक है, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, क्योंकि मेन वर्ब के जो भी बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हिंदी इज स्पोकन, यहाँ स्पीक जो है फर्स्ट है तो यहाँ भीतरी देंगे, स्पोकन इन इंडिया, यहाँ जो पीपल था उसका गैप हो जाता है, लोप हो जाता है, उसका यूज पैसिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ बाय का यूज नहीं हुआ। अगर यहाँ कुछ और भी प्रोनाउन रहता या नाउन रहता तो हम यहाँ बाय देकर उसका फॉर्म देते। ठीक है, तो क्या होगा, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वॉइस चेंज, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज देखिए, पहचान पहले आप टेंस को पहचान लेंगे, जिस सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज्ड होता है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आपका कीवर्ड क्या है, इज एम आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, डैट मीन्स आईएनजी, अगर इसमें से यूज हुआ है, इस वर्ड का यूज हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जाम्पल से हम पहचानने के लिए सीखेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ। ठीक है,
तो ये एम से हम पहचान लिए और भी फोर से हम पहचान लिए कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हम दे सकते हैं, अ लेटर इज रिटेन बाय मी। देखिए अगर आप इस तरह से इसको बनाते हैं तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंदर है तो आप उसको आईएनजी के जो बिफोर होता है उसके बदले आप क्या देंगे, आप बिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं हम, जो देखिए ये अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो उसको गलत माना जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा, अ लेटर इज बींग रिटेन बाय मी, ठीक है। अ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना अ लेटर, और अ लेटर के साथ क्या लगेगा, तो इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और जो भी फोर है आई एन जी लगा हुआ है, आई एन जी के बदले आप बी ई उसमें आई एन ऐड कर दीजिए, आई एन जी ऐड करके बींग इसको बना दीजिए। उसके बाद जो मेन वर्ब है डैट मीन्स राइटिंग जो है उसका वी थ्री रिटेन बनाइए, उसके बाद बाय का यूज, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बींग रिटेन बाय मी, ठीक है। ये सही है और ये गलत है। तो मैं इस सेंटेंस में गलत इसलिए लिखी थी क्योंकि आपको इसका कंपैरिजन से पता चल सकेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, और देखिए अब इसका हम रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और भी एग्जांपल लेकर इसको हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखिए एग्जांपल है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। सबसे पहले आप पहचान लीजिए कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, ये जो सेंटेंस है इसमें इज और बिफोर का यूज हुआ है इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। इसका किस तरह से हम बनाएंगे, तो हीज मदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हीज मदर इज बींग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जो इसका ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट होगा और इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो सब ऑब्जेक्ट है वो सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स आर बींग सैंग बाय देम, दे का यहाँ ऑब्जेक्ट देम बना, ठीक है। अब देखिए आई को मी हम क्यों लिख रहे थे और अभी आप देखें कि दे को हम देम क्यों लिखे और बी को अस क्यों लिखे। तो देखिए जब आई सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और इसका जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। डैट मीन्स आई को जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसको मी लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से यू जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो यू ही रहता है, लेकिन अगर ही जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हिम हो जाएगा। सी को हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ये हर हो जाएगा और दे को ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ये देम हो जाता है। उसी तरह से बी को अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो अस हो जाएगा। इसीलिए ये जो सेंटेंस था, देखिए दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, इसका जो दे यहाँ सब्जेक्ट है अब इसको हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना था तो यहाँ पर देम का यूज हुआ, ठीक है। उसी तरह से हर सेंटेंस में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ही है, ही सब्जेक्ट है, इसका
ऑब्जेक्ट फॉर्म हमें यूज करना है तो क्या होगा, हिम। इसी तरह से अब सारे सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट को आप अच्छी तरह से यही दोनों रूल से बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसका हम वॉइस चेंज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।